हेलो फ्रेंड्स, टॉक्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी की नाकामी के बाद सबकी नजरें इस बात पर थी कि आमिर खान अब हमें कौन सी मूवी में नजर आने वाले हैं, क्योंकि सबका यही मानना था कि अब वो किसी ऐसी मूवी पर हाथ डालेंगे जो कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने की कैपेसिटी रखती हो, जिसकी स्टोरी ऐसी हो, जिसको डायरेक्शन ऐसी दी गई हो, जिसका पहले से ही बहुत ज्यादा क्रेज रह चुका हो। तो इसी वजह से आमिर खान ने महाभारत जैसे बड़े प्रोजेक्ट को करने से इनकार कर दिया और उसको डिले कर दिया। और अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी मूवी करने वाले हैं आमिर खान और क्या आमिर खान अपने ऊपर से ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की नाकामी का टैग हटा पाएंगे। तो चलिए इस दिलचस्प वीडियो को शुरू करते हैं। वेल फ्रेंड, आमिर खान की मूवी गजनी के बारे में तो सभी जानते हैं, जिसमें उनकी लुक बहुत ही शानदार थी और कोई भी उस मूवी को भूल नहीं सकता, क्योंकि वो मूवी थी 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली मूवी, वो भी उस दौर में जब 100 करोड़ के क्लब में शामिल होना नामुमकिनात में से था। और 50 करोड़ के बजट पर बनाई गई इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाते हुए 232 करोड़ कमाए थे वर्ल्ड वाइड, जबकि इसको डायरेक्ट किया था A.R. मुरुगदास ने और कमाल का म्यूजिक दिया था A.R. रहमान ने और IMDB पर रेटिंग भी क्या खूब थी। सबसे बड़ी बात थी इस मूवी का 3 hours 3 minutes का रन टाइम। इतने बड़े रन टाइम होने के बावजूद मूवी ने कैसे जोड़े रखा था लोगों को अपने साथ, तो खबरें यही आ रही हैं कि आमिर खान साइन कर रहे हैं गजनी 2 मूवी को, क्योंकि गजनी एक बहुत बड़ा ब्रांड है और बहुत ही शानदार और आउटस्टैंडिंग और अलग किस्म की स्टोरी थी। तो आमिर खान को किसी ऐसी ही स्क्रिप्ट की जरूरत थी जो एक बार फिर से उनकी एक्टिंग और उनकी शोहरत को आसमान की बुलंदियों पर ले जाए और उनका स्टारडम बरकरार रखे। और यही वजह है कि आजकल आमिर खान और A.R. मुरुगदास खासे सरगर्म आ रहे हैं अपनी मूवी गजनी 2 को लेकर। और बहुत जल्द सुनने में आया है कि इसकी ऑफिशियली तौर पर भी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि इसको कब रिलीज किया जाएगा। और सबसे खास बात इस मूवी का बजट होगा, क्योंकि बड़े बजट पर बनाया जाएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। तो आपको कितना है इंतजार कि आमिर खान खुद गजनी 2 को ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दें और जल्द से जल्द इस मूवी की शूटिंग भी शुरू हो जाए? और क्या आपके ख्याल में गजनी 2 को पहले करना चाहिए या महाभारत को? हमें नीचे दिए गए कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लें, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। थैंक यू।